हेलो फैमिली, गुड इवनिंग। और मैं अपना ब्लॉग अब से शूट कर रही हूँ और मैं बनाने जा रही हूँ छौके हुए चावल, मतलब सोयाबीन और आलू के चावल। तो मैं आज उसकी रेसिपी दिखाऊंगी और आप लोग बताइएगा कि रेसिपी चावल कैसे हैं। वैसे तो बहुत अच्छे बनते हैं, देखते हैं कैसा बनता है, देख लीजिए। अब हम बनाते हैं छौका हुआ चावल, एक पुलाव टाइप में, सोयाबीन वाले चावल। तो ये मैंने कुकर गरम कर दिया है, देख सकते हैं मेरी गैस फुल है। फिर इसमें मैंने तेल ऐड कर दिया। अब ये तेल गरम हो गया अच्छे से, देख सकते हैं आप लोग, इसमें बुलबुला आने लग गया है। और यहाँ पे मैंने सारी व्यवस्था कर ली है। ये मैंने आलू कटिंग कर लिया है, सोयाबीन भिगो के अच्छे से खूब अच्छे पानी में धो के इसको मैंने, मतलब इसका पानी अच्छे से निकाल दिया है। और ये मैंने प्याज कटिंग की है, हरी मिर्च, मैं थोड़ा तीखा बनाऊंगी इसलिए लहसुन। और ये इसमें मैंने रखा है तेज पत्ता है, जीरा है, बड़ी इलायची मैंने कूट ली है, इसमें लौंग और ये काली मिर्च है। तो ये हम तड़के के लिए करेंगे। तो देख सकते इसको मैंने 5 मिनट पहले धोया है, तो देख सकते हैं ये प्याज हल्का हल्का ब्राउन हो चुका है। अब ये ज़्यादा, मतलब इसको एकदम ब्राउन नहीं करना, क्योंकि इसी में मैं सोयाबीन डालूंगी तो सोयाबीन भी अच्छे से भुज जाएगा। तो इसमें मैंने सोयाबीन ऐड कर दिया है, देख सकते हैं आपको। और इसको मैं 5 से 7 मिनट तक इसको भुजूंगी अच्छे से। 3-4 मिनट काफी होता है, इसको ढक के थोड़ा हल्का ब्राउन टाइप में होने लग जाएगी। देख सकते हैं क्या कलर, तो देख सकते हैं सोयाबीन अच्छे से लाल टाइप में हो गया है, मतलब ठीक ठाक है। अब मैंने इसमें आलू ऐड कर दिया है, इसको भी हम 2-3 मिनट तक भूज लेंगे अच्छे से। और मेरे पास इस टाइम टमाटर नहीं था, पर टमाटर वाला आ गया बाहर, तो देखिए मैंने टमाटर ले लिया है और धनिया पत्ता भी। तो अब मैं इसे धो के कट कर लेती हूँ। तो देख सकते हैं ये अच्छे से भुज चुका है, मैं ऐसे करके दिखा देती हूँ, आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, ये अच्छे से भुज चुका है। अब इसमें मैं टमाटर कटिंग कर लिया और मैंने धनिया कटिंग कर लिया। अब इसको मैं इसमें ऐड कर दूँगी, इसको निकला दूंगी। ये टमाटर डाल दिया मैंने, और इसी में मैं ये मसाला ऐड कर दूंगी। इसमें धनिया है, सारे मसाले हैं, और इसमें हल्दी मैंने ऐड करके इसमें मैं ऐड कर दूंगी। अब इसमें मैं स्वाद अनुसार जितना आप तेज हल्का नमक खाते हैं आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे हल्का सा नमक गिर गया, कोई नहीं, मैं उसको बाद में साफ कर लूँगी। मुझे एक हाथ से कैमरा पकड़ना पड़ता है, एक हाथ से मुझे रेसिपी दिखानी पड़ती है। मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ। प्लीज़ आप लोग शेयर और सब्सक्राइब और लाइक करिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को यूट्यूब तक पहुँचाइए। तो ये मसाला हल्का सा भूजने के लिए मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, हल्का सा पानी, पानी पड़ेगा चावल पड़ने के बाद। अब आप लोग देख सकते हैं इसका कलर कितना प्यारा हो गया, बहुत टेस्टी बनता है। आप लोग कभी बना के अपने घर में देखिए, और आप लोग को रेसिपी, अगर चावल मतलब क्या रेसिपी, कोई भी अपने घर में बना के खा सकता है, ऐसे तो सभी लोग बनाते होंगे। अब इसमें मैं चावल ऐड कर दूँ, क्योंकि हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है, अब कुछ पक जाएगा सिटी में। तो
इसमें मैंने चावल ऐड कर दिया है, देख सकते हैं। इसको मैं ऐसे भून लूंगी, इसको मैंने पहले ही चला लिया था क्योंकि मेरे एक ही हाथ से मतलब दोनों हाथ की जरूरत पड़ती है इसमें, ये चावल मेरा चल जाएगा। अब इसमें ऐड करूंगी मैं पानी अपने हिसाब से, पानी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, जितना पांच चावल है उसका दूसरा भाग पानी का, तब इसमें पानी कम है, इसमें और पानी ऐड करूंगी। तो देख सकते हैं मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। अब इसके ऊपर से मैं ये हींग डालूंगी। आप लोग तड़के में भी हींग डालते हैं बहुत लोग, पर मैं ऊपर से डालती हूँ कि इसकी खुशबू और अच्छी आती है। तो ये मैं हींग डाल दिया मैंने, और इसको आप लोग देख सकते हैं बनाने के बाद मैं आप लोग को दिखाऊंगी। इसको आप रायता के साथ भी खा सकते हैं, चटनी के साथ भी खा सकते हैं। तो इसमें मैं ये हरी धनिया डाल दूंगी अच्छे से, इसको मैं अब छूंगी नहीं। हरी धनिया डालने के बाद मैंने कुकर को बंद कर दिया है, देख सकते हैं आप लोग कुकर बंद हो चुका। और ये एक सीटी के बाद मैं इसको बंद कर दूंगी, लेकिन तुरंत इसकी गैस नहीं निकालती हूँ मैं, जब ये ठंडा हो जाएगा फिर मैं इसे खोलूंगी, फिर आप लोग को दिखाती हूँ चावल कैसा बना है चटनी के साथ। चिकू क्या कर रहा है? होमवर्क। चिकू होमवर्क कर रहा है, और देख सकते हैं ये चिकू, हाय बोल दो। हाय, मैंने किसी और की बुक ले आई। हाँ, चिकू आज किसी और की बुक ला दिया है, इसलिए इसका होमवर्क हो नहीं पाएगा अभी। नहीं, दोनों बुक ले आऊँ, अपनी भी और किसी मेरे दोस्त की। अच्छा, दोनों आप ही के पास आ गई है? हाँ। अच्छा कोई बात नहीं, कल दे देना। चिलबुल भैया देना। चुलबुल भैया देने गए हैं? अच्छा, इनके भैया गए हैं स्कूल में देने, इनका स्कूल बहुत पास है, तो ये होमवर्क कर रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। चिकू पढ़ने में बहुत सही हैं, ठीक ठाक है, बहुत सही नहीं लेकिन ठीक ठाक हैं। और देखिए पढ़ाई करते करते पूरे बेड पे इन्होंने सारे तरफ कॉपी किताब अपनी बिखेर रखी है। हेलो फैमिली, तो इस टाइम हो रहा है शाम के 4:30, और हवा चल रही है खूब अच्छी, देख सकते हैं आप लोग। तो मैंने बोरी के ऊपर रख करके वीडियो बना रही हूँ, और मैं गेहूँ साफ कर रही हूँ। तो मैंने गेहूँ साफ करने के लिए रख दिया है, क्योंकि मुझे आटा आज पिसवाने को देना है, क्योंकि आटा नहीं है। और आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और मैं आज एक ब्लाउज और सिल ली हूँ, उसके डिजाइन का मैं डाल दूंगी, तो आप लोग बताइएगा कैसा बनाए। तब तक के मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में, और प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट करिए कि आगे को वीडियो जाए। हेलो फैमिली, तो आप लोग देख सकते हैं मैं गेहूँ साफ कर रही हूँ, और कितना सारा गेहूँ है देखिए आप लोग, ये मैंने सुखाया है आज गेहूँ धो के, आज नहीं 2-3 दिन पहले धोया था, अभी सूख गया अच्छे से। और अब मैं इसको सुखा के आटा पीसने को दे दूँगी, चुलबुल या उसके पापा ले जाएंगे। तो आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी है? और मैंने थोड़ी सी धनिया भी सुखाई है, वो मैं आप लोग को दूसरे वीडियो में दिखाऊंगी। तो मैं गेहूँ साफ कर लेती हूँ, तो आप लोग बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगता है आप लोग। अगर अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को आगे को बढ़ाइए, और प्लीज़ सपोर्ट करिए मुझे भी, कुछ पता नहीं, देखो कोई बात नहीं, होगा ज़रूर होगा, सोच के बैठी हूँ, होगा और ज़रूर होगा, कहाँ थोड़ी बहुत से इतनी आगे बढ़ी हूँ तो आगे भी बढ़ूंगी। चलिए आप लोग का साथ रहा, तो मिलते हैं तुम आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में।